मैं जैसे आज राउंड लगाने आई थी आंटी को हग करने, मैंने सोचा नहीं था कि आप ही मिलोगे। हाँ, मेरा तो सोचा था ना कि ये तो गेट पे मिलेगा। हाँ, मम्मी आ गई, मेरी माँ आ जाएगी। चैलेंज किसको बोलते बताऊँ? उसको काटो और मुंह में खट्टा डालना है और मुंह नहीं बनाना। मंजूर है? हाँ ठीक है। मैं वैसे सच्ची बताऊँ, मैंने नींबू भी निचोड़ा भी नहीं मुंह में, मेरा पहले टेस्ट आना शुरू हो गया खट्टा खट्टा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? ये स्पेशल वीडियो बन रही है क्योंकि जो आपने पिछला व्लॉग देखा उसमें हमने आधे में खत्म कर दिया था। चैलेंज वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, पहले वो व्लॉग देख के आओ, उसके बाद ये देखने का मजा आएगा। साक्षी, मुझे लगता है ये गोप्रो तू पकड़ ले, मैं अंदर चला जाता हूँ। अगर तूने बोलना है मुझे क्यों खड़ा किया यहाँ पे यार? बोल ही नहीं रहे, अब आप बोलो। सारा कुछ तो तू कह गई यार, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं बताता हूँ, टीटू भाई ने हमें चैलेंज दिया था असल में, कहते चैलेंज करो वीडियो, ऐसे मुंह में चम्मच डाल के चलना है। अब देखो उन्होंने क्या किया। तो फाइनली अभी कंपटीशन शुरू हो गया है। एक सेकंड, कोई जिद्दी नहीं। ओ मम्मी ना, अब हाथ नहीं लगाना। ओहो, एक्शन तो आ रहा है, इधर चल के अंदर वापस आना है। वापस आना, हंसाना नहीं है ना? नहीं हंसाना, कैमरा कैमरामैन साथ साथ में कैमरा रखना, ठीक है? आप कैमरे की तरफ देखो, इनकी तरफ नहीं। चलो जी, 1 2 3 एक्शन। दरवाजा खोल दो, मम्मा ने बाहर जाना है। मम्मा ने सीधा मुंबई। अच्छा, अपने बता रहे हैं कि देखो मैं सीधे नहीं चल सकती हूँ। साक्षी डांस, मालका इन्होंने, अरे अच्छा मुझे लगता है ये बहुत आसान है साक्षी, ये बहुत आसान है। आप भी करके देखो। नहीं नहीं नहीं, चम्मच चेंज करो, टीटू भाई जी को बोलो। टीटू भाई जी, हंसाया। ओ मम्मा ने नींबू मुंह पा के डांस कर लिया यार। पर मम्मी एक बार ना मम्मी को अकेले चाहिए, मौका दो देना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने मम्मी हाथ लगाने लगे तो मैंने कहा हाथ नहीं लगाना, तो शायद उस वजह से इनका वो गिर गया। चलो मम्मी करो फिर, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि चीटिंग हो गई। हां, चम्मच हल्के हैं। नहीं, मेरा लगा चम्मच चेंज कर सकते हैं। नहीं जी, नहीं ठीक है। मम्मा ने भी इसी चम्मच से किया। हां चलो, इधर इधर इधर। ऐसा नहीं लग रहा मम्मी जैसे थर्मामीटर मुंह में डाल के घूम रहे हैं। मम्मी बाहर कहाँ जाना है? अभी तो जलेबियाँ खा के जाना है। यार ये सबसे बड़ा आसान काम है फिर इसका। निम्बुड़ा 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 अच्छा कच्चो मोटा मोटा निम्बुड़ा। आप तो मैंने मम्मी को पकड़ भी लिया, तब भी मम्मी का ले मम्मी से मम्मी सैर करना शुरू हो गई। मम्मी स्पीड, मम्मी स्पीड। हाँ, अब ये एक बार मैं करके देखूंगा साक्षी। चम्मच चेंज करो, आप भी रख सकते हो चमचे ऊपर, आप भी। थोड़ी देर बाद मम्मा ने कहा तरबूज भी रख सकते हैं। और जब दांत बाहर निकलने वो बता दो कहाँ रखने हैं। तो दोस्तों आपने अभी नारी शक्ति तो देख ही ली, अब नर शक्ति पुरुष शक्ति देख लो। ये देखो, नींबू काट रहे। वाह, वैसाखी पे लोग फसलें काट रहे हैं, मेरी माँ नींबू काट रही है। हेलो, क्या है? अब तक मम्मी तो मुझे ऐसे रोल
और एक चैलेंज मैं अपने सब्सक्राइबर को भी देना चाहता हूँ, ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, इस पे हिम्मत है तो फॉलो करके दिखाओ। इतना मुझे नींबू खिला रही है, सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए, खट्टा चुप करके एम खा लेना भी नहीं होना। अभी करना मम्मा ने नहीं कर लिया, मैंने कर लिया ना, तो चलो फिर पहले मम्मा जीत गए, मैंने म्यूजिक करने की जरूरत ही नहीं अब। मैं वैसे सच्ची बताऊं, मैंने नींबू भी निचोड़ा भी नींबू में, मेरा पहले टेस्ट आना शुरू हो गया खट्टा खट्टा। चैलेंज किया आपको, करना पड़ेगा, मम्मा जीत गए ना अब, करना पड़ेगा, जेड़ा करना पड़ेगा, फिर आता थोड़ी होता है, मैंने कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लिया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है चैलेंज, हम प्रॉपर चैलेंज वीडियो बनाएंगे ना मम्मा, है ना? तो अभी फिर इतना ही चैलेंज ठीक है, तो अब जलेबियां खा लें, ठंडी हो गई है। हैप्पी विसाखी, वाह मम्मी आज पूरी मस्ती के मूड में है। पहली बार मैंने इतनी छोटी जलेबी देखी है। A few moments later, तो यहाँ पे मामी जी की डिमांड थी कि ब्लॉग लगा के दिखाओ। हाँ। वैसे आप हमारे वीडियोस देखते हो? मैंने कोई छोड़ी भी नहीं है। अच्छा, नहीं वो नहीं छोड़ते जिसमें आप होते हो, या वैसे नहीं छोड़ते? नहीं मैं सारी देखती हूँ। मैं अपनी चाहे ना देखूं, अपनी फिल्म का तो उनको पता होता ना, इसमें मैंने ये किया, हमारा नहीं ना पता होता। और मम्मा आप वीडियो के बारे में क्या कहोगे? वीडियो बारे इतनी अच्छी वीडियो आपकी होती है, मैं वीडियो में खूब जाती हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं साक्षी के साथ ही हूँ। तो मम्मा आप सच्ची में साक्षी के साथ ही बैठे हो? मैं साथ ये तो भूल गई, वो भी साक्षी लग रही है। हाँ साक्षी गंदी लग रही है, यहाँ अच्छी बनी हुई है, इसलिए बोल रही है कि मां बोलने लगी थी कि साक्षी तैयार हो जा, किसी ने आना घर पे, बोलने लगी थी तो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो क्या करना, मिल गए हमने तो मिल ही नहीं है, आजकल तो शाम को रोज ही मिलते हैं और कभी कभी सुबह भी साथ में। साक्षी मुझे किसी का इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं मम्मा से मिलना चाहती हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ आप आ जाओ कभी भी, तो आज शायद वो मिलने आएंगे, तो मम्मा से मिलवाना उनको, ठीक है? A few moments later. मैंने कल आपकी वीडियो देखी तो मेरा बहुत मन किया आपको मिलने का। आप गए थे ना फिर मॉम के? हाँ, वो एक दो दिन पीछे चलते ना व्लॉग तो फिर। अच्छा मम्मा इनका स्पेशल मैसेज आया था, कहते मॉम को हग करने आना। इनको ये ना कहते बिना गिफ्ट के अंदर नहीं आना, तो मैंने इनको सलाह भी दी, मैंने कहा आप गाड़ी की चाबी दे जाओ, पहली मीटिंग में इतना बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, ये मेरा बड़ा बेटा। अच्छा, मैं जैसे आज राउंड लगाने आई थी आंटी को हग करने, मैंने सोचा नहीं था कि आप ही मिलोगे। हाँ, मेरा तो सोचा था ना कि ये तो गेट पे मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे आंटी को हग करनी है। हाँ। तो हो सकता है जिस हिसाब से उन्होंने हग किया, मेरी मम्मा भी पतली हो जाए। बेबी, लेकिन वो ऐसे ही अच्छे और अगर कोई घर पे कोई मिलने आता है तो ये समझो उनका प्यार ही होता है कि आपकी अटैचमेंट। हाँ, क्योंकि जब कोई मिलने आता ना तो उसके भी दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं कि वो कैसे मिलेंगे। वीडियो में तो हमें ऐसे दिखते हैं कि एक्चुअल में क्या सही मिलेंगे, पर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि घर बड़ा हो या छोटा पर मिठास होनी चाहिए। हाँ। अगर मिठास नहीं है ना इंसान क्या, चींटियां भी नहीं आती। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।